IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। सिवान जिले के कॉलेज का अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ है। सिवान शहर के ZA इस्लामिया PG कॉलेज के प्राचार्य ने फरमान जारी करते हुए कहा कि एक साथ छात्र छात्राएं बैठे या हंसी मजाक करते हुए दिखे तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। इससे संबंधित पत्र बीते मंगलवार 3 अक्टूबर को जारी किया गया था। अब पत्र सामने आया है जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। सिवान के ZA इस्लामिया कॉलेज के प्राचार्य इदरीस आलम के द्वारा जारी किया गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि अगर छात्र तथा छात्राओं को साथ में एक साथ बैठे हंसी मजाक करते महाविद्यालय परिसर में देखा जाएगा तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि धारा 29 और 30 के अंतर्गत स्थापित ये एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय है। इसके सारे प्रबंधन का अधिकार शासकीय निकाय में निहित है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कॉलेज की 2 छात्राओं के बीच मारपीट हुई थी। क्लासरूम और सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया था। शायद इसी को लेकर कॉलेज के प्राचार्य ने इस तरह का फरमान जारी किया है। वहीं इस तुगलकी फरमान के बाद ZA इस्लामिया PG कॉलेज के इंचार्ज ने बताया कि कॉलेज में बच्चे 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP ट्रायल्स के समीप स्टेशन रोड मेलवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। फिर से पढ़ें, इसके लिए लेटर जारी किया गया है। कॉलेज के इंचार्ज इकबाल जावेद ने बताया कि कॉलेज कैंपस में लड़के और लड़कियां एक साथ बैठते हैं तो न्यूसेंस का माहौल क्रिएट होता है, जिस वजह से इस तरह का पत्र जारी किया गया है। ये कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कॉलेज में जिन छात्राओं ने मारपीट की थी उन पर भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। कॉलेज का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो लड़के लड़के हंसकर बात करेंगे उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, नाम कर दिया। क्या कुछ मामला है? कॉलेज में एक लेटर 3 तारीख को जारी किया गया है। असल में है क्या कि जब बिहार सरकार द्वारा ये कोचिंग को बंद करने और फिर वर्ग में 75% उपस्थिति की जब बात की गई है तो जाहिर है कि लड़के काफी संख्या में आ रहे हैं, अब उसमें थोड़ा सा न्यूसेंस। तमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो इमान TV चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। क्रिएट हो रहा है, अब हम लोगों का तो मेन काम कॉलेज का क्या मेन काम है कि उनकी पढ़ाई हो और अप टू मार्क पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई हो और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई हो, तो उसी डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए यह लेटर इशू हुआ है। हालांकि उससे उसके अतिरिक्त भी हम लोग लगातार बच्चों के गार्जियन को फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बच्चों को एक रोल नंबर्स डाल रहे हैं जिनकी उपस्थिति नहीं हो रही है। क्या कुछ कहा गया सर लेटर में? तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, यानी वो थोड़ा सा लड़के और लड़कियां बैठते हैं तो न्यूसेंस क्रिएट होता है। फिर माइनॉरिटी कॉलेज है, उसका भी एक अंदाजा रखना है हम लोगों को, उसको देखना है कि ये माइनॉरिटी स्टेटस है वो बना रहे हमारा। और कहीं ना कहीं अगर बच्चे और लड़के और लड़कियां, बच्चे एवं बच्चियां अगर आपस में मिलजुल रहे हैं तो न्यूसेंस क्रिएट का समय रहता है। पिछले हफ्ते एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें 2 लड़कियों के बीच फाइट हुआ था, कॉलेज की स्टूडेंट थी, उससे इस लेटर नहीं, उस लेटर से भी रिलेटेड है। असल में वो मामला ये था कि वो कॉलेज में छुट्टी के बाद वो बच्चियां आपस में झगड़ा कर रही थी, फिर बाहर निकल के उन लोगों ने झगड़ा किया और अभी हम लोग उन बच्चियों को जो झगड़ा में सम्मिलित हैं उनको हम लोग महाविद्यालय से निष्कासित करने की पूरी प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं। अब उसका अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब ये नहीं मालूम हो पाया ना, झगड़ा नहीं हुआ, इसी इसी कारण से झगड़ा हुआ होगा तो इसी यही कारण है कि हम इस तरह का
का जो लेटर इशू किया गया बच्चों के लिए जो लेटर इशू करेगा। एक खबर वायरल हो रही है कि लड़की के चक्कर में जो प्रिंसिपल है आपकी उनका बयान वायरल हो रहा है। अच्छा, लड़की के चक्कर में लड़कियों ने झगड़ा किया था, इसलिए लड़के और लड़कियों के बीच बातचीत न हो इसलिए ये लेटर जारी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस टाइप का कोई बात हम लोग के पास आए। असल में क्या है कि मार करने वाली स्टूडेंट का तो मुझे जानकारी है, लेकिन जो पीट मार रही थी उनका उनके गार्जियन को हम लोग बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक वो टर्न अप नहीं हुए हैं। फिर हम लोग उसको देखेंगे उन बच्चियों को बुला करके कि वस्तु स्थिति क्या है। शुभ नाम बता। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद।